प्राचीन काल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने जन्म लिया जो परमेश्वर के कहे गए बातों को लोगों तक पहुंचाया करते थे और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे। उन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक थे हनोक, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। हनोक एक ऐसे व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। वह परमेश्वर के बहुत ही करीब रहने वाले व्यक्ति थे। बाइबल में और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का वर्णन है जो परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया करते थे। हनोक के बारे में हम उत्पत्ति किताब में सबसे पहले पढ़ते हैं, अध्याय 5 उसका 18 से 24 में लिखा है, जब एरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया, और हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और एरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेला को जन्म दिया, और मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक के बारे में हम नया नियम की किताब में भी पढ़ते हैं, जैसा कि लिखा है इब्रानियों अध्याय 11 उसका 5 में, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। दोस्तों, यहाँ दोनों पदों में हम हनोक के विश्वास और उसके परमेश्वर के साथ खास रिश्ते को हम देख सकते हैं। बाइबल इस बात को तो खुलासा नहीं करती कि उस समय क्या हुआ था जब परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर से उठा लिया, फिर भी यह पता चलता है कि उसका परमेश्वर के ऊपर विश्वास वैसा ही होगा जैसा अब्राहम का विश्वास था जब वो अपने बेटे का बलिदान करने के लिए गया था, इस विश्वास के साथ कि वह उसे फिर से प्राप्त होगा। हनोक का विश्वास वैसा भी हो सकता है जैसे एलिया ने परमेश्वर का तब तक अनुसरण किया जब तक कि अग्नि रथ ने उसे महिमा की ज्वाला में पृथ्वी से दूर नहीं कर दिया। दोस्तों, हनोक के जीवन से हर एक विश्वासी को कुछ बातों को सीख लेना चाहिए। पहला, परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास करना। लिखा है इब्रानियों अध्याय 11 उसका 6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दोस्तों, हमें प्रतिदिन यह स्वीकार करना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर वही है जो कहता है वह है, जिसने हम सभी से प्रतिज्ञा की है, और उसका वचन सत्य है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहना। लिखा भजन संहिता अध्याय 63 उसका 1, 2 और 8 में, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र शास्त्र में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। दोस्तों, परमेश्वर के अगुवाई में उसके वचन का लगातार पालन करने का संकल्प लेना जरूरी है, भले ही इसके बदले में आपको कोई आकर्षक या बेहतर विकल्प दिखाई दे। हनोक के परमेश्वर के साथ गहरे और भावुक जीवन का यात्रा का अंतिम परिणाम एक ऐसी मुलाकात थी जो अजीब तो थी लेकिन बहुत ही अद्भुत थी। हनोक पृथ्वी का पहला भागीदार बन गया जिसे परमेश्वर ने जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसके जीवन में परमेश्वर अलौकिक कार्य करता है जो इंसान के समझ से बाहर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 9 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम जितना परमेश्वर के करीब रहते हैं उतना ही परमेश्वर की महिमा, उसके प्यार और उसके अनुग्रह को समझ सकते हैं कि बिना उसके इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है। मत्ती अध्याय 10 उसका 29 से 31 में लिखा है, क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती,
तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है कि हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम इंसान के लिए इतना मुश्किल है, वह परमेश्वर के लिए कितना आसान, और वह हमारा कितना अच्छे से ख्याल रख सकता है। जब हम हनोक के जीवन को देखते हैं तो यही पता चलता है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और वो भी 300 साल तक। उसी में उसने परमेश्वर को अपने विश्वास से प्रसन्न कर दिया था, जिसका कारण हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे इतना अद्भुत मौका दिया कि वह जीवित ही उठा लिया गया परमेश्वर के पास। दोस्तों, हर एक विश्वासी को हनोक के जीवन से सीखने का ज़रूरत है कि परमेश्वर के साथ विश्वास में लगातार चलते रहे। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।